ध्रुव राठी और रवीश कुमार का जलवा अब संसद तक पहुंच गया है। परिणाम स्वरूप विपक्ष खुलकर सामने आ चुका है और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो, लिख के आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। कांग्रेस के खाते जब्त कर दिए गए। चुनाव से पहले रवीश कुमार ने भी जमकर कवरेज किया, जिसका प्रभाव अब देखने को मिल रहा है। नहीं 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 नहीं, नहीं। नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। ध्रुव राठी ने भी चुनाव से पहले सरकार पर जमकर हमला बोला था, जिसका प्रभाव अब संसद तक पहुंच गया है। रवीश कुमार और ध्रुव राठी दोनों का प्रभाव अब संसद में दिखने लगा है। आपका पैसा चोरी हो गया है, देश की सारी पब्लिक का पैसा लूट लिया गया है। आजाद भारत के इतिहास का ये शायद से सबसे बड़ा स्कैम है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम कोई एक घोटाला नहीं है, बल्कि एक घोटालों का भंडार है। अब आज सरकार की हालत ये हो गई है कि सरकार मोहिया मोइत्रा जैसे सांसद की बातों को सुनने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। रिक्वेस्ट यू सिंस यू बीन हियर फॉर द बेटर हाफ ऑफ वन आवर, ये भी सुनते हुए जाइए सर, डरिए मत सर, दो बार आ गए सर, यू केम टू माई एरिया ट्वाइस ड्यूरिंग द कैंपेन सर, आज तो सुन के जाइए सर। सरकार ने हर एक पैंतरे अपना लिए थे, यहाँ तक कि सीसीटीवी के कुछ फुटेज भी मिले थे जिसमें वोटों की घोटाला का वीडियो सामने नजर आया था। चंडीगढ़ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि यहाँ पर मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ है। राहुल गांधी ने न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से पूरे देश में भ्रमण किया, जिससे देश की विभिन्न प्रकार की समस्याओं से अवगत हुए और उसके प्रति सहानुभूति हुए। इसका प्रभाव ये भी देखने को मिला कि राहुल गांधी का जनता में काफी विश्वास बढ़ा, जिसके परिणाम स्वरूप राहुल गांधी को पहले से दोगुना से भी अधिक सीटें मिल पाई। भारत न्याय यात्रा इज गोइंग टू बी आल्सो ए मोस्ट हिस्टोरिक यात्रा। It was the most beautiful experience of my life. We met what I would best describe as the soul of our country. I realized that force and power are two completely different things. It doesn't matter how much force the other person has. You can still have power. तो संसद में स्थिति यह गई है कि सरकार के लोग भी संरक्षण मांगने लगे हैं। लोकसभा स्पीकर से अमित शाह संरक्षण मांगते हैं, लोकसभा स्पीकर से अमित शाह संरक्षण मांग रहे हैं कि हमें संरक्षित कीजिए। ये स्टेटमेंट करे कि हम कहते हैं कि किसान आतंकवादी, तो कैसे सदन में चल सकते हैं माननीय? आप एक तरफा नियमों के ऊपर जाकर उनको रियायत दे रहे हो माननीय, हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चल। अब तो स्थिति यह आ गई है कि सरकार के लोगों को कोई सुनना ही नहीं चाहता है। ये देखिए 609 व्यूज है जगदीप धनखड़ का व्यूज। ये मैंने संसद टीवी खुला हुआ है, किसी का अपना चैनल नहीं है, संसद टीवी है, देख लीजिए, किसी का कोई व्यूज नहीं है, कोई सुनना ही नहीं चाहता इनको, राहुल गांधी या विपक्ष के लोगों को सभी लोग सुनना चाहते हैं। देखिए 3.9 के नरेंद्र मोदी का व्यूज है, ये देखिए 4.6 के, ये देखिए लोकसभा स्पीकर का 4.7 के व्यूज है, ये नरेंद्र मोदी का केवल 83 केस है, यहाँ भी नरेंद्र मोदी का केवल 71 के है, जबकि विपक्ष में मोहुआ मोइत्रा का 71 के है, संजय सिंह का 48 के है, राहुल गांधी का 1.3 मिलियन है। तो राहुल गांधी को सबसे अधिक लोग लाइक करते हैं, बाकी सरकार को तब डिसलाइक करते हैं लोग। अगर आप भी राहुल गांधी को लाइक करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको समय समय से मिल पाए।